गाइस आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के एक नए स्मार्टफोन के बारे में जो कि सैमसंग बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। वो कौन सा स्मार्टफोन है तो आइए जानते हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के M10s के बारे में जो कि ये सैमसंग का M10 का अपग्रेडेड वर्जन होगा, यानी कि उसका सक्सेसर बन के आएगा जो कि आपको इंडिया में बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा और इसके सारे स्पेसिफिकेशन लीक्स हो गए हैं। सो गाइस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा वीडियो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। आप शुरू करते हैं वीडियो को, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं मेरा नाम हरीफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक मिर्चा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि ऐसी टेक वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस हम बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस डिस्प्ले में आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, साथ ही ये इन्फिनिटी वी टाइप की होगी, यानी कि जैसे कि आपको सैमसंग के M10, M30, M20 जैसे कि सभी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी सेम वही डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि इन्फिनिटी वी टाइप की। सो गाइस जब हम बात कर लेते हैं इसके अगले फीचर के बारे में तो वो आता है गाइस इसका चिपसेट, कि गाइस इसमें आपको चिपसेट कौन सा देखने को मिलेगा। क्योंकि इसकी चिपसेट एक मेन पॉइंट है जो कि आपको फोन लेने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि आप कौन सा फोन लें जिसमें अच्छा चिपसेट है। तो गाइस चिपसेट एक मेन पॉइंट होता है हर किसी फोन का। सो गाइस चिपसेट के बारे में बात करें तो गाइस इसका इसमें खुद का चिपसेट देखने को, यानी कि सैमसंग का Exynos 7970 देखने को मिलेगा। तो गाइस ये एक फास्टर चिपसेट है और एक गेमिंग चिपसेट के नाम से भी जाना जाएगा, तो ये एक पावरफुल चिपसेट नाम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा चिपसेट है जो आपको सैमसंग के M10s में देखने को मिलेगा। सो गाइस जब हम बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में कि रैम एंड रोम के बारे में, तो गाइस रैम इसमें आपको 3 वेरियंट देखने को मिलेगा, जिसका मेन यानी कि बेस्ट वेरियंट होगा वो 2GB 16GB और जिसका मीडियम वेरियंट होगा जो 33GB 32GB और जिसका हाइयर वेरियंट होगा वो होगा 4GB 64GB। सो गाइस जब हम बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में तो वो आता है इसकी बैटरी। तो गाइस बैटरी में आपको बहुत ही पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, बहुत ही अमेजिंग बैटरी देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि एक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। साथ ही इसमें 15 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। सो गाइस साथ ही इसमें आपको यूएसबी टाइप सी देखने को मिलेगी और आईडिया जैक 3.5mm भी देखने को मिलेगा। सो गाइस जब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में जो इसका हाईलाइट फीचर बन के आ रहा है, यानी कि सैमसंग का एक हाईलाइट फीचर बन के आ रहा है ये फोन, तो वो कौन सा हाईलाइट फीचर है? तो बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो गाइस कैमरा इसमें हाईलाइट है बट ये कंफर्म नहीं हुआ कि इसमें आपको कौन सा कैमरा देखने को मिलेगा, बट एक फोटो क्लिक करके दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको डुअल मोड अल्ट्रा मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा और साथ ही लाइव फोकस का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसकी क्या फोटो क्लिक करके दिखाएगी, बट ये कंफर्म नहीं हुआ कि इसमें आपको कौन सा कैमरा देखने को मिला। जिसका फ्रंट कैमरा का बारे में कंफर्म हो गया है कि इसमें आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जो कि सेल्फी के लिए होगा। सो गाइस जब हम बात कर लेते हैं इसके अब लॉन्च और प्राइस के बारे में, तो पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस आपको कितनी होगी। तो गाइस प्राइस इसकी बहुत ही किलर होने वाली है, बहुत ही कम होने वाली है। तो ये एक सैमसंग की तरफ से एक बजट किलर फोन होगा जो आपको बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिलेगा। तो इसकी गाइस प्राइस इसकी बहुत कम है, बहुत ही कम। तो मैं बात कर दूं इसकी प्राइस की, तो गाइस प्राइस में आपको 8 से 9 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बजट किलर फोन साबित हो सकता है जो कि टक्कर लेगा रेडमी के 8A और 8K के साथ में। सो गाइज अब हम बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट के बारे में कि ये फोन कब लॉन्च होगा। तो गाइज लॉन्च डेट भी कंफर्म हो गई है बट एक रूमर निकल के आ रहे हैं कि इसकी लॉन्च डेट है जो वो नवंबर के महीने में होगी, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर के सेकंड वीक में आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि ऐसी टेक वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।